नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बापूजी का चमत्कार में। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मे। गोधरा में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसके 3 टुकड़े हो गए, लेकिन इस हादसे में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू समेत सभी सुरक्षित बच गए। ये संत श्री आसाराम जी बापू का ही चमत्कार था जिसे सारी दुनिया ने देखा। बापू जी के चमत्कार के बाद अब सभी आलोचकों के मुंह बंद हो गए हैं। गोधरा में हुआ चमत्कार, क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में लगी आग, 3 टुकड़ों में बटा हेलीकॉप्टर, लेकिन नहीं हुआ बड़ा हादसा। दुनिया ने देखा आसाराम जी बापू का चमत्कार। हेलीकॉप्टर में सवार थे आसाराम जी बापू, दैवीय चमत्कार से टला बड़ा हादसा। आसाराम जी बापू का दैवीय चमत्कार। ये चमत्कार है एक संत का, उस संत का जो लाखों भक्तों को करा रहे हैं आत्मज्ञान, ऐसे गुरु का जो गोविंद से मिलाने का सिखा रहे हैं सरल और सुगम रास्ता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत श्री आसाराम जी बापू की। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर में खुद बापू जी भी बैठे थे। उन्हीं की कृपा से हुआ ऐसा चमत्कार कि सब देखते रह गए। जिस हेलीकॉप्टर के 3 टुकड़े हो जाएं, लेकिन किसी को खरोंच तक ना आए, इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। बापू जी पर तो उनके भक्तों का भरोसा अडिग है, उनकी ईश्वरीय ताकत का ज्ञान उनके भक्तों को है, और अब बापू ने जो चमत्कार दिखाया उससे उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा भी है जो अपने स्वार्थ के खातिर गाहे बगाहे उनकी निंदा करने में संकोच नहीं करते। इस हादसे पर परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का कहना है कि ये परमात्मा की ताकत है और ये ताकत हिंदू धर्म को बचाने की ताकत भी रखती है। तो प्रतिभा पाटिल के कुटुंबी मेरे भक्त हैं और उनका भी फोन आया था, देव बहन जी का, कि हमने सेना के वायुसेना के बड़ों बड़ों से पूछा है कि चिनकारियों की बात उनको पता नहीं था, हेलीकॉप्टर 3-3 पुर्जे 3-3 टुकड़ों में बट जाए और पुर्जा अलग हो जाए और फिर भी उसमें बैठे हुए आदमियों को खरोंच नहीं आई, तो हमारे वायुसेना के निष्णात कहते हैं कि इसमें ईश्वर की कृपा का ही चमत्कार है। हरिओम। कुत्ते के मुंह से मानुषी भाषा, ये ईश्वर की कृपा है। हरिओम। ईश्वर मौजूद है, यहाँ भी ईश्वर मौजूद है, आंखें खुल जाए तो अभी मौजूद है। गोधरा में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त जमीन पर गिर गया था। जमीन पर गिरते ही हेलीकॉप्टर के 3 टुकड़े हो गए थे और उसमें आग लग गई थी, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी हेलीकॉप्टर में सवार बापूजी समेत सभी लोग सुरक्षित बच गए। बापूजी के इस करिश्मे को भी सभी ने महसूस किया, पूरी दुनिया ने परम पूज्य बापूजी का चमत्कार देखा। एविएशन एक्सपर्ट्स भी ऐसे चमत्कार को देखकर हैरत में हैं। उनका कहना है कि ऐसे भयानक हादसे में किसी का भी बचना बेहद मुश्किल है। इतना ही नहीं, हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर के पायलट रविंद्र सिंह ने भी इसे बापूजी का चमत्कार बताया। संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है आसाराम बापू जी जो हैं, उनकी उनका शक्ति है। हम लोग सेफ हैं, लैंडिंग सेफ हो गई और सब लोग एक नया जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी खुशी की बात। संत अगर साथ में हो तो एक फीलिंग आती है कि उनका आशीर्वाद है साथ में, जब तक ये साथ में है तो हमारा कोई कुछ हो नहीं सकता जी, बिगड़ नहीं सकता। ये बापूजी के चमत्कार और ब्रह्म ज्ञान का ही सबूत है। अगर हम इतिहास के पन्नों में नजर डालें तो ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जहां कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो और उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हों। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल का कहना है कि जो चमत्कार हुआ है उसे दुनिया ने देखा और अब कितनी परीक्षाएं ली जाएंगी। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया, अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। संत श्री आसाराम जी बापू के इस चमत्कार ने सबको ब्रह्म ज्ञान का एहसास कराया है।
और संतों की बार बार हो रही आलोचनाओं का भी करारा जवाब दिया है। यानी ये बात अब सिद्ध हो चुकी है कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को ब्रह्म ज्ञान और दैवीय शक्ति से किसी दुर्घटना का अंदेशा पहले से ही हो जाता है। यानी ये साफ है कि उनके सानिध्य में रहकर और उनके सुझाए गए मार्गों पर चलकर सारी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। वह बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी संत श्री आसाराम जी बापू के चमत्कार से अभिभूत हैं। बाबा आशाराम बापू का जिस समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वह दृश्य मैंने टेलीविजन के पर्दे पर देखा है, और इतना ही कह सकता हूं कि जिस प्रकार का वह हादसा था यह दैवी शक्ति ही थी जो परम पूज्य बाबा आशाराम बापू में थी, जिसके परिणाम स्वरूप केवल वे ही बाल बाल नहीं बचे बल्कि जितने भी उनके भक्त थे उनके साथ सभी बाल बाल बचे। यही मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से बाबा आशाराम बापू के अंदर वह दैवी शक्ति थी जिसका करिश्मा यह था कि बाबा आशाराम बापू का भी बाल बाका नहीं हुआ, रंच मात्र खरोंच तक नहीं लगी, और साथ ही साथ उनके जितने भक्त भी उनके साथ थे उनको भी रंच मात्र खरोंच तक नहीं लगी। यह केवल ईश्वर की महती अनुकंपा है और बाबा के अंदर वह दैवी शक्ति है जिसका यह परिणाम प्रत्यक्ष केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि विश्व में जिसने भी देखा होगा उसको इसका एहसास हुआ होगा कि दैवी शक्ति होती क्या। तो इतनी ऊंचाई से हेलीकॉप्टर का गिरना, उसके 3 टुकड़े हो जाना, उसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लग जाना, लेकिन बापूजी समेत जो तमाम 5 लोग उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे उन सभी लोगों को खरोंच तक नहीं आई। वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है और बापूजी की दैवी शक्ति की वजह से ये चमत्कार संभव हो पाया। इस चमत्कार को पूरी दुनिया ने देखा है और बापूजी के इस चमत्कार से पूरी दुनिया प्रभावित भी हुई है, और इसके बाद जो तमाम आलोचक हैं उनके मुंह पर ताला एक तरीके से जड़ दिया है। चलिए इसी के साथ हमें इस खास पेशकश बापूजी का चमत्कार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।